चलिए अब अपन यहाँ पर रिलेशनशिप करते हैं। रिलेशनशिप आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट रहता है वन टू वन रिलेशनशिप, सेकंड रहता है वन टू मैनी रिलेशनशिप, थर्ड रहता है आपका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। देन इसके बाद हम आपको यहाँ से न्यू स्टार्टिंग से डाटा लेना बता देंगे इसमें, और स्टार्टिंग से ही हम आपको बनाना बताएंगे। वन टू वन रिलेशनशिप में आपका क्या रहता है, जैसे कि स्टूडेंट और टीचर के साथ आप रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे से, तो वन टू वन रहे, तो स्टूडेंट के पास और टीचर के पास सेम फील्ड होनी चाहिए, देन सेम फील्ड में आपकी प्राइमरी की होनी चाहिए, ठीक है। और जो डाटा है, जो डाटा टाइप रहता है, वो आपका नंबर में होना चाहिए, मतलब शॉर्ट टेक्स्ट में भी अप्लाई हो जाता है, पर अधिकतर हम नंबर में लेते हैं, तो आपका नंबर में होना चाहिए, और अगर आप शॉर्ट टेक्स्ट में लेंगे तो वो भी ले सकते हैं आप। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एमएस एक्सेस को ओपन करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप बनाने के लिए स्टार्टिंग से न्यू डाटा लेते हैं, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ से ये फाइल नेम पूछेगा आपको, फाइल नेम क्या देना है, तो यहाँ पे अपन यही रन देते हैं, बस स्टार्टिंग में अपन अपना बैच टाइम लगा देते हैं। ठीक है, ये ले दिया। इसके बाद ये कहाँ पे सेव हो रहा है आपका, सी ड्राइव में, यूजर आईसीआईसी डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में। बट आपको पता है अपन सी ड्राइव में डाटा सेव नहीं करते हैं, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से ब्राउज ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे ब्राउज ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे अब आपको लोकेशन देनी है कि कहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं। तो अपन यहाँ पे चलते हैं एच ड्राइव में और इसमें ले लेते हैं अपन, ठीक है, और ओके कर देते हैं। क्या नहीं, नहीं इसमें भी हो जाएगा ना, क्यों नहीं हो रहा है, फाइल नेम नहीं ले रहा है, तो अपन फाइल नेम कुछ और दे देते हैं, कोई बात नहीं। ये दे देते हैं और यहाँ पे ओके कर, देखिए ले लिया उसने, वो फाइल नेम एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अब आप क्रिएट पे क्लिक कर, जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो ये टेबल आ जाएगी, तो अपन इस टेबल को राइट क्लिक करके क्लोज कर देते हैं। अब अपन यहाँ पे रिलेशनशिप बना रहे हैं, रिलेशनशिप एक टेबल से तो बनेगा नहीं, दो टेबल होनी चाहिए आपकी, तभी आप रिलेशनशिप क्रिएट कर पाएंगे। तो वन टू वन रिलेशनशिप बना रहे हैं अभी, वन टू वन रिलेशनशिप के लिए एक टीचर की टेबल होनी चाहिए, एक स्टूडेंट की टेबल होनी चाहिए, और दोनों टेबल में कोई एक फील्ड सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल डिजाइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अपन डाटा लेते हैं। जैसे कि अपन पहले ले लेते हैं स्टूडेंट का डाटा, तो स्टूडेंट टेबल ले लेते हैं, स्टूडेंट नेम, ये ले लिया। इसको अपन शॉर्ट टेक्स्ट में रहने देते हैं। स्टूडेंट नेम से पहले अपन स्टूडेंट आईडी और ले लेते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। नहीं, वो अपन इसमें नहीं लेंगे, वो ऑटो आईडी वाला नहीं लेंगे अपन इसमें। हाँ, स्टूडेंट आईडी, इसका डाटा टाइप नंबर में कर देते हैं अपन, फिर यहाँ पे स्टूडेंट नेम कर देते हैं, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। हाँ, इतना ही, वो आपको लेना है तो ले सकते हो, जो जो फील्ड नेम आपको लेनी है आप ले सकते हो, हम इतना ही रहने देते हैं। यानी अगर आपको कोर्स वगैरह लेना है तो वो भी ले सकते हो आप। अब आप इस पर राइट क्लिक करके इसको सेव करेंगे, तो सेव अपन इस किस नाम से कर देते हैं, स्टूडेंट, ठीक है, और ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते हैं तो आपसे प्राइमरी की का पूछता है कि ऑटो नंबर प्राइमरी की देनी है या नहीं, बट अपन यहाँ पे नहीं लेते हैं, ठीक है, तो अपन इसे नो कर देते हैं। देन इसके बाद जो फील्ड कॉमन होती है ना, उस फील्ड में आपकी प्राइमरी की का यूज होना चाहिए, तब आपका रिलेशनशिप क्रिएट होगा। प्राइमरी की कंपलसरी होती है, हम यहाँ पे बता दें प्राइमरी की का यूज क्या होता है। प्राइमरी की का यूज होता है कि आप जिस भी फील्ड में प्राइमरी की देते हैं, उस फील्ड में आप डुप्लीकेट डेटा नहीं ले सकते। डुप्लीकेट डेटा मतलब हमने स्टूडेंट के नाम में प्राइमरी की दे दी, स्टूडेंट नेम में, इसमें,
ठीक है। तो जैसे कि अभिषेक नाम के दो स्टूडेंट है, ठीक है, हमने फर्स्ट एंट्री कर दी, उसने ले लिया। जैसे ही हम सेकंड एंट्री करेंगे, अभिषेक लिख देंगे, अभिषेक के फादर ने मोबाइल नंबर, पूरी एंट्री फिल कर देंगे, तो वो नेक्स्ट एंट्री आपको नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि अभिषेक मतलब आपने नेम में प्राइमरी की दी थी और डुप्लीकेट नाम हो रहा है अभिषेक, तो वो नहीं करने देता आपको। वो हम आपको भी बता भी देंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे स्टूडेंट आईडी में प्राइमरी की देते हैं। प्राइमरी की कैसे देंगे आप देखा यहाँ पे प्राइमरी की का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये चाबी टाइप किया जाएगी, मतलब आपने इसमें प्राइमरी की दे दी है। अब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे क्या करेंगे, आप डाटा सीट व्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से इसमें फिल करेंगे डाटा को, जैसे कि स्टूडेंट आई डी वन है और यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिख देंगे आप। स्टूडेंट नेम है यहाँ पर अजय। जैसे अब हम यहाँ पे देखिए वन लिख के फिर दिखाए आपको, वन लिखा हमने, फिर यहाँ पे कुछ दूसरा नाम लिखते हैं, विजय लिखा। तो देखिए नहीं जाने दे रहा आपको, नेक्स्ट एंट्री नहीं करने दे रहा। क्यों? क्योंकि आपने आईडी डबल डबल ले ली एक ही, और जबकि आईडी में प्राइमरी की है आपके में, तो वो प्राइमरी की का यूज क्या होता है, तो वो डबल एंट्री नहीं करता आपकी। हाँ, जिस भी फील्ड में आप प्राइमरी की देंगे ना, उस फील्ड में आप डुप्लीकेट डेटा नहीं ले सकते, ठीक है। समझ आया क्या होता है प्राइमरी की? ठीक है, तो अपन इसको ओके कर देते हैं। देन इसके बाद अपन यहाँ पर चलते हैं और इसकी अपन चेंज कर देते हैं, टू कर देते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट है, उसकी आईडी नंबर 3 है। जैसे आईडी बनती है ना, स्टूडेंट की रोल नंबर वगैरह रहता है कि लास्ट में अलग रहता है, स्टार्टिंग में सेम रहता है, तो आपको जिस टाइप से लेना हो आप ले सकते हैं। हम नॉर्मली 1 2 3 ले रहे हैं, ठीक है। क्या? हाँ वो ले लेगा वो। हाँ, मतलब जैसे आप देती है ना, जैसे आप फोल्डर बनाती हैं, तो एक ही नाम से दो फोल्डर नहीं लेता, उसके बाद आप 1 2 3 या फिर एट द रेट या फिर कुछ और लगा देते, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसा इसमें भी कर लेगा वो आपको, ठीक है। जैसे आप अगर आप सरनेम लिखते हैं, तो सरनेम अलग अलग हुए, तो वो ले लेगा आपको। मोहन लिया, फिर यहाँ पे अपन 4 ले लेते हैं, तो ये कुछ आईडी अपन ने ले लिए हैं, ठीक है, और स्टूडेंट के नेम भी ले लिए। अपन इसमें इतना ही डाटा रहने देते हैं, इतना तो आपको इजी रहेगा ना लेने में। नहीं, जैसे कि अजय धाकर है और विजय धाकर है, ये तो स्टार्टिंग का नाम तो चेंज है ना, तो वो उस ले लेगा वो तो। नहीं, इसमें लिख सकते हो आप, ठीक है, इसमें भी लिख सकते हैं, इसे सेव कर देते हैं। प्राइमरी की का यही उपयोग होता है कि जैसे कि आपने नाम में प्राइमरी की दे दी या फिर आईडी में प्राइमरी की दे दी, अब आपको यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी वर्क करते हैं अपन, जब आपके पास बहुत सारा डाटा होता है तो कोई कोई सी एंट्री आपकी डबल हो जाती है। अगर आपके फील्ड में प्राइमरी की रहेगी तो वो डबल एंट्री नहीं करेगा, फिर आप समझ जाते हैं कि इस डाटा में आपका डुप्लीकेट डाटा मिक्सअप हो रहा है, जिससे वो आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। डुप्लीकेट डाटा को हटाने के लिए अपन प्राइमरी का यूज करते हैं, मतलब देखने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक टेबल तो अपन ने ले ली स्टूडेंट टेबल, अब अपन ने एक और लेना है, तो अपन क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से टेबल डिजाइन, यहाँ पे अपन टीचर की लेते हैं, टीचर आईडी, इसको नंबर में भेज देंगे डाटा टाइप आ जाइए, फिर यहाँ पे टीचर ने। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट वाली टेबल में स्टूडेंट आईडी था और स्टूडेंट नेम था, इसमें अपन ने टीचर आईडी टीचर नेम ले लिया, पर फील्ड तो आपकी सेम ही नहीं हुई है, नहीं हुई है, तो इसमें अपन स्टूडेंट आईडी ले लेते हैं, तो सेम हो जाएगी आपकी फील्ड। फर्स्ट टॉपिक याद रखना, हम क्या बोल रहे हैं, 1-to-1 रिलेशनशिप बनाने के लिए दोनों टेबल में कोई एक फील्ड सेम होनी चाहिए, सेम। तो इसमें देख लिया, हम इसे ओपन करते हैं और इसे राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में लेते हैं। देखिए इसमें स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, इस वाली में टीचर आईडी है, टीचर नेम है, बट कॉमन फील्ड कोई सी में भी नहीं है। तो या तो आप स्टूडेंट वाली टेबल में टीचर आईडी ले लें, या फिर टीचर वाली टेबल में स्टूडेंट आईडी ले लें, मतलब दोनों में से ये भी कोई सी में एक कॉमन फील्ड ले लें आप, ठीक है। तो अपन टीचर में ले लेते हैं स्टूडेंट आईडी। याद रखना, 1-to-1 रिलेशनशिप बनाने के लिए दो टेबल के बीच रिलेशनशिप बनता है, दोनों टेबल में आपकी सेम फील्ड होनी चाहिए, जो सेम फील्ड